जम्मू कश्मीर में जमकर बर्फबारी हो रही है, लेकिन कुछ दिन पहले वहां हालात ऐसे थे कि बर्फ देखने को नहीं मिल रही थी, बर्फ का सूखा पड़ा हुआ था और इसकी वजह से लोग निराश थे, पर्यटन कारोबारी निराश थे, वहां पर गए सैलानी निराश थे। अब चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी है, बेहद खूबसूरत नजारा है और इसको बखान करती दो मासूम बच्चियां नजर आ रही हैं, जेबा और जैनब नाम की जुड़वा बहनें हैं। इनकी जोरदार चर्चा हो रही है क्योंकि उन्होंने बर्फबारी की खूबसूरती को जिस मासूमियत के साथ अपने लफ्जों में बयान किया है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है और उसने सभी का दिल जीत लिया है। अब देख सकते हैं फाइनली बर्फ गिर गई है। आपको लग रहा होगा मैं कितना एंजॉय कर रही हूँ, मुझे तो जैसे लग रहा है मैं जन्नत के बीचों बीच बैठी हूँ और मेरे बीचों बीच ये दूध की लहरें हैं। लेकिन ये दूध की लहरें नहीं, बर्फ है। हमें तो आज बहुत मजा आ रहा है। अल्लाह ताला ने आखिरकार मेरी और मेरी बहन की दुआ कबूल कर दी तो हम यहाँ पर बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। बर्फ इतनी गहरी है मैं तो इसके अंदर ही डूब जाऊंगी, जैसे लगता है कि कोई गहरा पानी में हम हैं। आप सोच रहे होंगे मुझे भी ऐसी बर्फ चाहिए। सर्दी तो लगती है लेकिन एंजॉय तो करना है ना, बर्फ में तो बहुत मजा आता है। बर्फ से हमारी कश्मीर की रौनक बढ़ जाती है। श्रीनगर से करीब 100 किलोमीटर दूर जम्मू कश्मीर के कोकेन राग इलाके की जुड़वा बहनें जैवा और जैनब ने ब्लॉगिंग शुरू की तो इंटरनेट पर तहलका मच गया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो आप देख सकते हैं फाइनली बर्फ गिर गई है। नर्सरी क्लास में पढ़ने वाली दोनों बहनें अभी महज 6 साल की हैं, लेकिन बोलने का तरीका ऐसा कि हर सुनने वाला इनका कायल हो जाए। हमने दुआ किया अल्लाह ताला से कि बर्फ गिरा दो और बर्फ गिर गया और आखिरकार हमारी वो दुआ कबूल हो गई। जैवा और जैनब का वीडियो वायरल होने के बाद पब्लिक इंटरेस्ट की टीम उनकी तलाश में कोकेन राग पहुंची। दोनों जुड़वा बहनों ने हमारी टीम के साथ खूब मस्ती की। सुनो बहुत ठंडी है, हमें स्नो मैन बनाया है, हम स्नो में एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। हाँ बहुत ज्यादा, जो कि हमारी वो रील है वो वायरल हो गई। हमने तो छोटी मोटी वीडियो बनाई थी, हमें क्या पता था ये इतनी वायरल हो जाएगी। अच्छे से अच्छे ब्लॉगर को जैवा और जैनब इंटरनेट पर मात दे रही है। दोनों बहनों का सपना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर आए और फिर उन दोनों बहनों से मुलाकात करें। तो हम मोदी जी का अपने कश्मीर में वेलकम करना चाहते हैं कि वो हमारे कश्मीर में आ गए, हमारे साथ एंजॉय करें और हम उनसे जल्द से जल्द मिलना चाहते हैं, हमें बहुत खुशी होगी। जैवा रिपोर्टर तो जैनब डॉक्टर बनना चाहती है, लेकिन दोनों प्यारी बहनों की अपने सब्सक्राइबर से एक शिकायत भी है। हमको तो बहुत फॉलो करते हो, सब्सक्राइब कर, मगर हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को क्यों नहीं करते, हमारा कसूर क्या है? दोनों बहनों का वीडियो इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, लाखों लोग इस वीडियो को देख चुके हैं। जैवा जैनब चाहती हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग कश्मीर आएं और बर्फबारी का लुत्फ उठाएं। वो दिन दूर नहीं जब जैवा और जैनब को लोग बड़े पर्दे पर देख पाएंगे। दोनों को फिल्म का ऑफर भी मिल चुका है। अंकल बोल रहे थे कि हम आज मैं कभी ना कभी आऊंगा आपके घर बेटा और आपके साथ एक फिल्म बनाना चाहूंगा और आपसे मिलूंगा। कौन सी फिल्म बनाना चाहते हैं? ट्विन सिस्टर्स। क्यों ट्विन सिस्टर्स? हाँ हम रोल भी लेंगे, ट्विन सिस्टर्स रोल मेरी बहन भी लेगी, ट्विन सिस्टर्स रोल। आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।